Jesus says, यीशु मसीह कहते हैं, My children, मेरे बच्चों, My peace I give unto you. मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ. Not as the world gives. संसार देता है उस तरह से नहीं. But My peace I give unto you. लेकिन मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ. My peace to make you live in this world. मेरी शांति ताकि तुम इस संसार में जी सको. My peace, the Jesus peace which can break any sorrow and any pain. वो शांति जो यीशु मसीह की शांति है, जो हर एक दुख और दर्द का शोक जो है उससे उसको वो तोड़ सकता है. My peace, the Jesus peace which can resurrect you from every evil power and set you on high in this world. मेरी शांति यानी यीशु मसीह की वो शांति जो आपके जीवन के हर एक बुरी सामर्थ बुरी ताकतों को तोड़कर इस जीवन में आपको ऊंचा उठा सकती है. My peace. मेरी शांति. My peace. मेरी शांति. I give you my peace, says the Lord. प्रभु कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ. Today he is going to make his peace flood your heart like a river. और आज वो परमेश्वर अपनी शांति एक बाढ़ के समान आपके हृदयों में भर देगा, एक बहती नदी के जैसे भर देगा. According to Isaiah 66:13, यशया 66:13 के हिसाब से, God says, I will comfort you like a mother. परमेश्वर कहता है एक माँ के समान मैं तुम्हें दिलासा दूंगा. And I will make peace run like a river in your life. और मैं ऐसा करूंगा कि वो शांति एक नदी के समान बहते हुए तुम्हारे जीवन में आएगी. There is hope for you, my brother. मेरे भाई आपके लिए एक आशा है. There is hope for you, my sister. मेरी बहन आपके लिए एक आशा है. Jesus is coming to you. यीशु आपके पास आ रहा. And secondly, और दूसरी बात, look at that lady. और इस स्त्री को देखो. When Jesus looked at her, और जब यीशु मसीह ने उसे देखा, he said, उसने कहा, you can only give me water which will bring thirst again. और यीशु ने कहा कि देख तू मुझे वो पानी पिला सकती है जिसे पीने के बाद फिर से प्यास लगे. But I, Jesus, can give you water which will never make you thirst again, dear lady. और यीशु मसीह ने कहा स्त्री मैं तुझे वो जल दूंगा जिसके बाद तू कभी प्यासी नहीं होगी. She said, "All right, give me that water so that I don't need to come to the well to get the water every day." उसने कहा, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तू मुझे वो पानी पिला ताकि इतनी दूर मुझे इस कुएं पर पानी भरने को वापस आना ना पड़े. But Jesus said, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, "Go and bring your husband." तू जा और अपने पति को यहाँ बुला ला. She said, "I don't have a husband." स्त्री ने कहा कि मैं बिना पति की हूँ. Jesus looked into her life. यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी में देखा. And saw her thirst in her life. और उसके जीवन की प्यास को देखा. And said, और कहा, "Woman, स्त्री, you had five husbands. तू पांच पति कर चुकी you है. You lived with not just one man. तू केवल एक पुरुष के साथ नहीं रही. You lived with five people. तू पांच पुरुषों के साथ रह चुकी है. Maybe none of them treated her well. और हो सकता है उनमें से किसी ने भी इस स्त्री से अच्छा व्यवहार नहीं Maybe किया. Everybody bet her and drove her out. हो सकता है हर एक उसके पतियों ने उसे मार कर उसे निकाल दिया होगा. Or maybe everyone was living in sin. या हो सकता है हर एक पुरुष जो है वो उसके साथ पाप में जी रहा हो. And Jesus said, और यीशु ने कहा, You are living with a man now after the five husbands. और पांच पति करने के बाद जिस पुरुष के साथ अभी तू रह रही है, That man is not married to you. You have not married him. और उस पुरुष के साथ तेरी शादी नहीं हुई है. Maybe she was living with that man saying, no point in marriage. Let me just live with a man and just live on. और हो सकता है वो स्त्री उस पुरुष के साथ इसलिए रह रही होगी कि उसने सोचा शादी करके क्या फायदा, बस जिंदगी अगर चलानी है तो इसी पुरुष के साथ रहो. She was so heartbroken in her family life. पारिवारिक जीवन में इस स्त्री का बिल्कुल दिल टूट चुका होगा. She was thirsting for real love. और वो सच्चा प्रेम पाने की उसके अंदर प्यास थी. Thirsting for a true husband. और एक सच्चा पति पाने के लिए उसकी प्यास थी. Maybe you're in agony because of your spouse. और आपके जीवन साथी की वजह से हो सकता है आप पीड़ा के दौर से जा रहे हो. Jesus understands. यीशु इस बात को समझता है. Jesus knows your agony. यीशु आपकी पीड़ा को जानता है. And the lady said, और उस स्त्री ने कहा, Truly, sir, you're a prophet.
कि सच में मैं जान गई कि तू भविष्यवक्ता है. And she brought the whole village to Jesus. और वैसा करती है, पूरे गांव को यीशु के पास बुला ले आती है. Jesus understands the agony you're going through in your family relationship. यीशु मसीह उस पीड़ा को जानता है जो आप अपने परिवार के संबंधों की पीड़ा से जा रहे हो. He knows how it has broken you and you have no peace in your family life. और वो जानता है कि आप किस तरह से टूट चुके हो क्योंकि आपके पारिवारिक जीवन में कोई शांति नहीं है. The one who looked at the life of that Samaritan woman. वो परमेश्वर जिसने उस सामरी स्त्री के जीवन को देखा. Looks at your life also. वो आज आपके भी जीवन को देखता है. He will set it right. और आपके जीवन को वो सही. Thirdly. और तीसरी बात. Jesus went through the accusations in the family. और परिवार में दोष लगाने के दौर से होकर यीशु मसीह भी गए. In Luke chapter 10 verse 38 to 42. और लूका 10 38 से लेकर 42 तक. Martha, Mary and Lazarus were living together as sisters and a brother. और Martha, Maryam और Lazar ये भाई बहन एक साथ रहा करते थे. Martha invited Jesus to her house. और Martha ने जो है यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया. But when Jesus came into the house with his disciples. लेकिन जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ उनके घर पर आए. She became very busy making arrangements. और वो जो है सारी सब तैयारी करने में बहुत ही व्यस्त हो गई. And the Bible says. और the Bible कहती है. She was distracted. और वो जो है उसका ध्यान यहाँ वहाँ पड़ने लगा. She was distracted from Jesus. और यीशु मसीह से वो बहुत ही बेचैन हो गई. She was busy working, working, working for the family. और परिवार के लिए काम करते 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 व्यस्त हो गई. Working to accommodate Jesus and his disciples. और वो काम कर रही थी ताकि वो यीशु मसीह और उनके चेलों को अच्छे से देखभाल कर सके. And that busy working made her to be distracted from looking at Jesus, enjoying Jesus. और उसी व्यस्तता की वजह से वो जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर से उसका ध्यान हट गया और यीशु मसीह के उपस्थिति का आनंद वो नहीं ले पाई. But her sister Mary was sitting at the feet of Jesus. लेकिन उसकी बहन जो मरियम थी वो यीशु के पैरों के पास बैठी थी. Always listening to the words of Jesus and looking at his face. और हमेशा लगातार वो यीशु मसीह के शब्दों को सुनते जा रही थी, उसके चेहरे को देखते हुए. Martha saw this. और जब Martha ने ये देखा. And became very angry. तो उसे बहुत ही गुस्सा आया. She complained about her sister to Jesus. और यीशु के पास आकर वो अपनी बहन की शिकायत करती है. She said. और वो कहती है. She is sitting at your feet. कि देख प्रभु ये तेरे पैरों के पास बैठी है. All the time praying. हमेशा प्रार्थना करती रहती है. She is not helping me in my home. मेरे घर के काम में मुझे मदद नहीं कर रही. Then she condemned Jesus. और तब यीशु पर उसने दोष लगाया. She said, उसने कहा, Jesus, यीशु, you also don't care. और तुझे भी कुछ चिंता नहीं. I am working so hard for my family. मेरे परिवार के लिए मैं कितने मेहनत से काम कर रही हूँ. I am working so hard for you. तेरे लिए मैं कितनी सेवा के लिए कठिन काम कर रही हूँ. I am working so hard for your servants. और तेरे चेलों के लिए, तेरे सेवकों के लिए मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ. But you don't care. लेकिन तुझे इसकी चिंता नहीं. You don't care. तू इसकी परवाह नहीं करता. My sister. मेरी बहन. You don't care that my sister is not helping me. तुझे चिंता नहीं है कि देख मेरी बहन मेरी मदद नहीं कर रही. She was accusing her sister. और वो अपनी ही बहन पर दोष लगा रही थी. Accusing Jesus. और यीशु पर दोष लगा रही थी. That's what happens in our lives, isn't it? और ऐसा ही तो हमारे जीवन में भी होता है, सच है ना? We think we have to do everything in our family for the benefit of the family. हम ये सोचते हैं कि हमारे परिवार के फायदे के लिए हमें ही सब कुछ करना चाहिए. But we rarely pray to Jesus. और बहुत ही कम हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं इस विषय में. And we think we have to minister to others. We have to serve the poor all the time. But we rarely pray to Jesus as Mary did. और फिर हम ये हमेशा सोचते हैं कि हमें लोगों की सेवकाई करनी है, हमें लोगों के लिए काम करना है, और इस व्यस्तता की वजह से हम प्रार्थना में बहुत ही कम होते हैं. Because of that, the accusing spirit, the condemning spirit came into Martha. और इसी वजह से दोष लगाने वाली जो आत्मा थी वो मार्था में आई. And she was even condemning God. और वो परमेश्वर को भी दोष लगा रही थी. Accusing her sister. अपनी बहन की को दोष लगा रही थी. Today is your spirit accusing your sister, your brother, your husband, your children. और आज आपकी आत्मा जो है आपके भाई, आपकी बहन, आपके पति, आपके संतानों पर
दोष लगा रही है? Are you saying only I have to work and do everything in this family? You're all enjoying it and are you cursing them? और क्या आप ये कहती हैं कि अरे इस परिवार के लिए सब कुछ मुझे करना पड़ता है, तुम सब बड़े मजे में जी रहे हो, क्या ऐसा कहकर आप श्रापित करती हैं? That spirit will take you away from Jesus. ये आत्मा आपको यीशु मसीह से दूर ले जाएगी. My dear friend, मेरे प्यारे मित्रों, maybe your spirit has lost its peace because of this. और इस वजह से हो सकता है आपकी आत्मा ने शांति खो दी हो. Jesus knows. यीशु जानता है. Jesus knows. यीशु जानता है. The Samaritan woman lost her husbands and she lost her peace. और सामरी स्त्री ने अपने पति गंवा दिए और अपनी शांति खो दी. And Martha lost the love for her sister and lost her peace. और मार्था ने अपनी बहन के प्रति प्रेम खो दिया और अपनी शांति खो दी. And was condemning Jesus. और यीशु को दोष लगाने लगी. Alas, because of that, death came into that family. और इसी वजह से अंत में मृत्यु उस परिवार में आई. Of course, Jesus raised the brother. खैर यीशु मसीह ने उस मरे हुए भाई को जिंदा किया. The spirit of accusation brings death. जो दोष लगाने की आत्मा है वो मृत्यु को लाती है. First John 3:15 says. पहला यूहन्ना 3:15 कहता है. Anyone who hates his brother is a murderer. कोई भी जो अपने भाई से नफरत करता है, घृणा करता है, वो हत्यारा है. Even if we hate our brother, our family member, in any way, we are murderers. भले किसी भी वजह से अगर कोई अपने परिवार के सदस्य से नफरत करता है तो उसका मतलब वो हत्यारा है. Maybe you are filled with that anger. हो सकता है आप उस गुस्से से भरे हुए हो. Anger against society. समाज के प्रति आप में क्रोध हो. Anger against people who did not give you what you need to get as a right. और हो सकता है आप ऐसे लोगों से क्रोधित हो जिन्होंने आपका हक आपको नहीं दिया हो या जिसके आप लायक थे आपको वो नहीं मिला. Maybe you're angry because they did not give you a job. और शायद आप क्रोधित होंगे क्योंकि उन्होंने आपको नौकरी नहीं दी. You're angry because they did not give water. आप क्रोधित होंगे क्योंकि उन्होंने आपको पानी नहीं दिया. You're angry because somebody didn't give you your child an admission. और फिर आप गुस्सा इसलिए होंगे शायद किसी ने आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं दिया. Maybe you're angry because your husband did not treat you well. और शायद आप क्रोधित इसलिए हैं क्योंकि आपके पति ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया. Or your wife was not faithful. या आपकी पत्नी विश्वास योग्य नहीं रही. Or your children were not grateful. या फिर आपके बच्चे आपकी ओर ध्यान नहीं देते. You're angry because someone in your home, someone working with you did not support you. और हो सकता है आप क्रोधित इसलिए हैं क्योंकि आपके परिवार का कोई व्यक्ति जो आपके साथ काम करना करता है. Because of this, maybe you're angry with God. और इस वजह से हो सकता है आप परमेश्वर से भी क्रोधित हो. Is there a way to get peace? कोई रास्ता है शांति पाने का? In the midst of the suffering, is there a way to get peace? और मेरे दुख के समय में क्या कोई रास्ता है शांति पाने का? Yes. हाँ. Jesus became our peace. यीशु हमारी शांति बना.